आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो मध्य प्रदेश के आपके इतिहासकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनसे आपका एक दो क्वेश्चंस हर बार आपके एग्जाम में आता है। फिर चाहे आप लोग एमपीपीएससी ले लीजिए, एमपी पुलिस ले लीजिए, एमपीएसआई ले लीजिए, पटवारी हो, शिक्षक भर्ती हो, इन सब में आपके एक दो क्वेश्चंस हर बार पूछे जाएंगे। तो एक कुछ आपके साहित्यकार हैं जो महत्वपूर्ण हैं और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके भी कुछ रचनाओं से भी देख लीजिए या क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आप देखिए कि बड़ा एक तरह से टॉपिक भी नहीं है और क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाण भट्ट के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि इनकी रचना का नाम क्या है, हरस हरश्चरित और कादंबरी। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, बाण भट्ट की। आपसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछ लेगा, आपको नीचे चार ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि बाण भट्ट की इनमें से कौन सी रचना है। तो आप लोगों को याद रखना होगा हरश्चरित और कादंबरी, या फिर क्वेश्चन से इस तरह से बन सकता है कि हरश्चरित या फिर कादंबरी किसकी रचना है, और नीचे चार आपको साहित्यकारों के नाम दे देगा। जैसे आपका बाण भट्ट दे देगा, कालिदास दे देगा, भवभूति दे देगा, भर्तृहरि दे देगा। तो आप लोगों को किसी भी तरह से याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कालिदास। तो इनकी इनकी क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि पुराने क्वेश्चंस पेपर आप लोग उठा के देखिए, आपको कई बार देखने को रिपीट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आप लोग याद रखिए, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार, विक्रम वरसियम, ये भी आपकी कालिदास की है। कालिदास की सभी रचनाओं को आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, हर बार आते हैं एक तरह से। ठीक है, उसके बाद आप देखें भर्तृहरि। तो इनकी श्रृंगार शतक, नीति शतक और महावीर चरित, ये तीन इनकी आपको रचनाएं देखने को मिलेंगी। अब यही आप लोग देख लीजिए, भवभूति, उत्तर रामचरित, मालती माधव, महावीर चरित। तो ये दोनों याद रखिएगा, इनकी भी है और इनकी भी है। आगे आप देखेंगे केशवदास। केशवदास के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे रामचंद्रिका हो गया, रसिक प्रिया हो गया, वीर सिंह चरित हो गया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंदिका, नकसिक छंद माला, ये आपके केशवदास हो गए। अगर हम पद्माकर की बात करें तो कली पचीसी, अली शाह विकास, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, हितोपदेश, ये सभी पद्माकर की हैं। अगर हम लोग भूषण की बात करें तो इनकी आप देखेंगे सिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवराज भूषण, दोसन उल्लास, ये सभी आपकी भूषण की हैं। ईश्वरी की बात करें तो ईश्वरी विकास और ईश्वरी सतसई आपकी ईश्वरी की हैं। सिंगाजी, अगर सिंगाजी की अगर हम लोग रचनाओं की बात करें तो परचुरी, बारहमासी, ये आपकी सिंगाजी की हैं। आगे आपके साहित्यकार हैं घाघ, इनका नाम भी आप लोगों ने काफी सुना होगा घाघ के बारे में। तो घाघ की बात करें तो इनका देखेंगे आप लोग घाघ भड्डरी की कहावतें, ये काफी प्रचलित है और इसी से क्वेश्चन आने की संभावना भी इस तरह के आते रहते हैं। आलाखंड, आप सभी जानते होंगे बुंदेलखंड से होंगे, तो आला के बारे में आप लोग काफी सुने होंगे, आला उदल के बारे में। तो इसमें आप देखेंगे जगनिक की है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की भी आप लोग सभी याद कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, योगचरण, मरण ज्वार, बिजूरी, समर्पण, वनवासी, ये सभी किसकी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की। इसके बाद आप देखेंगे सुमित्रा कुमारी चौहान से भी आती रहती हैं आपकी, झांसी की रानी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, बचपन, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। और याद रखिए मध्य प्रदेश के ही एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया जो भी एग्जाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चंस पूछ लेता है इनसे। ठीक है, तो आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ भी पूछे जाते हो उनके लिए, सबके लिए क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। फिर आप सोचें कि केवल एमपी के लिए स्पेशल हो। शरद जोशी, अगर हम शरद जोशी की रचनाओं की बात करें तो पिछले दिनों, राह किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियाँ, एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलिज तिलिज,
ये आपकी किसकी है? सर जोशी। पिछले दिनों राह किनारे बैठ जीप पर सवारी लिया, एक था गधा अंधों का हाथी तिलिस्म। ये भी आपकी किसकी है? सरज जोशी। फिर आप देखेंगे आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नए प्रसन्न आधुनिक साहित्य, रीति और शैली, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, ये सभी आपकी आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी साहब की हैं। मुल्ला जी मुल्ला रमजी, तो इसमें आप देखेंगे लाठी और भैंस, शादी औरत जात, मुसाफिर खाना, तारीख जिंदगी, सिफा खाना अंगूरा, ये सभी किसकी हैं? मुल्ला रमजी की। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, कुमकुम, रश्मि रेखा, स्तवन, आप अलग, उर्मिला, ये किसकी है? बाल कृष्ण शर्मा साहब की। उसके बाद आप देखेंगे गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो चांद का मोय टेढ़ा, नए निबंध, कामायनी, एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल, ये सभी आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो गांधी पंचसती, गीत फरोश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, लेख बुनी हुई रस्सी। हरिशंकर परसाई की बात करें तो जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, तट की खोज। और याद रखिए इतिहासकारों में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है, और भी जितने आपके मध्य प्रदेश के हैं उन्हें भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, अगर आपके पास टाइम है तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। एमपी स्पेशल जीके के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची है, उसमें से आपका बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो इन सब के बारे में यही पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा, आपके कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं उनकी जो भी कृतियां हैं या रचनाएं हैं उनके बारे में, इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं।